सो गाइज, ये है कोमा की रेंजर एंड मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक है ये, जो कि कम्प्लीटली बनी है इंडिया के अंदर विद जैपनीज टेक्नोलॉजी। एंड अगर हम बात करने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर दो वेरियंट्स आते हैं, रेंजर एक्स ई एंड रेंजर एक्स पी। सो बात करते हैं इन दोनों वेरियंट्स के बारे में। सो रेंजर एक्स ई के अंदर आपको जो क्लेम रेंज मिलती है कंपनी की तरफ से, डैट इज़ 160 to 180 किलोमीटर। एंड रेंजर एक्स पी में आपको क्लेम रेंज मिलती है 200 to 250 किलोमीटर। दोनों बैटरी या दोनों वेरियंट्स के अंदर चार्ज हो जाते हैं 0 to 90% इन 4 hours थ्रू अ फास्ट चार्जर। सो इसके अंदर 5 kW हब की मोटर लगी हुई है एंड ये आपको स्पीड दे देगा 80 किलोमीटर पर आवर की, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और बात करते हैं इसके अंदर, तो हमें लॉन्ग राइड्स के लिए कंफर्टेबल दिख रही है और इसमें फीचर भी ऐसे ऐसे लगा रखे हैं कि जो नॉर्मल बाइक्स के अंदर अब नहीं आ रहे, इलेक्ट्रिक के अंदर अभी तक आए नहीं है। सो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर 7 inch की TFT स्क्रीन मिल जाती है विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। सो और इसके अंदर नेविगेशन भी मिलता है विद ब्लूटूथ कॉलिंग एंड इसके अंदर LED हेडलाइट्स विद USB चार्जिंग पोर्ट, साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, गियर मोड इंडिकेशन में कोई दिखता है हमें ऑडोमीटर के अंदर। और इसके अंदर और भी अगर एडिशनली देखा जाए तो जो पिलियन है उसके लिए बैकरेस्ट लगा रखा है, डैट इज़ ऑल्सो कुशन। और एक्सी वेरियंट के अंदर हमें जो बेस वेरियंट है इसका, उसके अंदर विंडशील्ड नहीं मिलती सामने लगी हुई, बट यस XP वेरियंट जो इसका सेकेंड वेरियंट है, टॉप वेरियंट है, उसके अंदर हमें लार्ज विंडशील्ड मिलती है लगी हुई कंपनी तरफ से। और बात करते हैं इसमें और अच्छा स्टैंड आउट करने के लिए बाइक को रोड प्रेजेंस के लिए, इसमें डुअल साउंड पाइप्स लगाए गए हैं, जो कि जैसे ट्रेडिशनल एग्जॉस्ट होते हैं बाइक्स में साइड में नीचे लेफ्ट और राइट में, जैसे हायाबुसा में आपने देखे है, तो ऐसे ट्रेडिशनल एग्जॉस्ट लगा रखे हैं दोनों साइड्स पे, क्योंकि देखने बहुत अच्छे लग रहे हैं और यूनिक स्टैंड आउट कर रहे हैं। मैंने बाइक को रोड पे देखा हुआ है तो मेरे सामने चल रही थी, बट उस टाइम मैं मोटर व्लॉग नहीं कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन लग रही थी ये बाइक देखने में और अलग ही स्टैंड आउट कर रही थी क्राउड के अंदर। और काफ़ी बड़ी भी है, मतलब देखा जाए जैसे इसके जो पैनियर्स है साइड में उसमें काफ़ी स्पेस भी है और दिखने में बड़ी लग रही थी बाइक, बहुत बढ़िया बनाई है कोमाकी ने। और दोस्तों जो एग्जॉस्ट है वो आर्टिफिशियल फ्लेम्स और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं विद ड्रामेटिक इफेक्ट, जैसे कि हमने रिवोल्ट RV सीरीज़ के अंदर देखा है, दोनों सीरीज़ के अंदर 300 और 400 के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है विद साउंड। तो इसके अंदर फ्लेम्स भी है जो कि आर्टिफिशियल है, तो ये बहुत बढ़िया लगेगा देखने में, मैंने ये देखा नहीं है रियलिटी में, मैं इसको जैसे ही लाइव देखता हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और बात करते हैं इस बाइक के बारे में, तो इसमें जो पैनियर्स लगे हुए हैं साइड्स में, स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर जो XE वेरिएंट है उसके अंदर 30 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है, और जो XP वेरिएंट है उसके अंदर 50 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी हमको मिलती है। फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन एंड रेयर में मिलता है एडजस्टेबल सस्पेंशन। और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो इसमें फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक्स लगी हुई है, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है। एंड इसमें सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो लेग गार्ड लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, एंड और जब आप यूज़ करेंगे तो उसका आपको फीचर्स बारे में पता चलेगा, और काफ़ी सारा स्पेस भी है स्टफ रखने के लिए आपको। और बात करते हैं प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका प्राइस रहने वाला है दोस्तों, बेस वेरियंट का जो प्राइस है डैट इज़ 1,68,000, और जो XP वेरियंट है जो कि इसका टॉप वेरियंट है डैट इज़ XP रेंजर XP, उसका प्राइस रहने वाला है 1,85,000 एंड बोथ द प्राइजेज आर एक्स शोरूम प्राइजेस। सो कैसी लगी आपको बाइक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, प्राइस वर्थ इट है ये तो रोड पे आने के बाद ही पता चलेगा कितना वर्थ इट है, बट यस जितने इसके अंदर फीचर्स दिए गए उस हिसाब से प्राइस मेरे को वर्थ इट लग रहा है देखने में। और बात करेंगे बाइक के बारे में जब ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको बाइक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी इलेक्ट्रिक लवर्स है, एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। सो टिल देन बाय, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।